भाभी कौन है? मैं मोहसिन से मिलने आई हूँ, लाहौर से। भाभी आपने तो कहा था करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी को बुलाया नहीं, तो पतलून कमीज में शादी में आ गई? शायद मोहसिन ने मुझे बताया नहीं। मैं मोहसिन से मिल सकती हूँ? अब इधर आओ। नहीं तुम मोहसिन से नहीं मिल सकती, उसका निकाह है आज। तुम जाओ यहाँ से। निकाह? जाओ मैं कह रही हूँ। क्या मसला हो गया? उधर मौली साहब इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम मेरे साथ आओ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो कुछ बताना है इनको बताओ जिनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या कह रही है भाई, बताओ तो सही, हमें भी तो कुछ पता चले क्या हो रहा है ये। मेरे साथ आओ प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों नहीं आती? ताकि तुम खामोशी से किसी और से निकाह कर लेते। मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, तुमने एक दफा भी जवाब नहीं दिया। क्या तुम बैठकर किसी से शादी कर रहे हो? गाइस सब बोलो, जाओ यहाँ से, मेरी पोजीशन खराब मत करो प्लीज, जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ? मैं अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे पास आई हूँ मोहसिन। मेरे पास अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं बाबा का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ आई हूँ। क्या चक्कर है मोहसिन? कौन लड़की है ये? आप प्लीज बीच में बात ना करें। क्यों ना बोलूं मैं बीच में? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, तुम बताते क्यों नहीं हो? कौन है ये लड़की? यहां क्यों आई है? क्या चाहती है तुमसे? ये मैं बीवी हूं मोहसिन की। हाय मेरी बच्ची, अरे अरे को उठाओ, कोई आओ। बस कर दो सफिया, बहुत हो गई। ठंडे दिलो दिमाग से सोचकर इस मसले का कोई हल निकालने का सोचो। अरे लान तान से कुछ हाथ नहीं आने वाला। अरे चुप कर जाए आप, मेरी बच्ची की जिंदगी उजड़कर मैं उफ तक ना करूं। अरे शुक्र करो कि हमारी बेटी बर्बाद होने से बच गई। अगर हमें मोहसिन की शादी का निकाह के बाद पता चलता तो फिर हम क्या करते? किस चीज का शुक्र अदा करूं? किस चीज का शुक्र अदा करूं? मेरी बच्ची की निकाह की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी है। अरे सब क्या क्या कहेंगे मेरी बच्ची को, किस किस को जवाब दूंगी, किस को मुंह दिखाऊंगी।
ये तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मेरी बच्ची की बारात दरवाजे से आके वापस चली गई हो। नहुसत का थप्पा लग गया मेरी बच्ची पर, नहुसत का। अरे अल्लाह ना करे सफिया, क्यों ऐसी मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? कुछ नहीं होगा सिद्रा को, उसे मैं अपनी बेटी बना के रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी उसे। इससे बड़ी ज्यादती और क्या होगी मानी जान, जो आप लोगों ने हमारे साथ किया, ऐसे तो गैर भी कभी नहीं करते। आप पूछती क्यों नहीं अपने इस काबिले फखर लाडले से पूछ से, किस बात का बदला लिया से मेरी मासूम बहन से? यहां चुपचाप खड़ा हमारी बेबसी और बर्बादी का तमाशा देख रहे। अरे ये तो हमारी शराफत है जो हम सबों से काम ले रहे हैं, वरना क्या फायदा इस फजूल बहस का? होना था वो हो चुका है, अब इसको छोड़ो और आगे का सोचो। अरे क्या कर सकते हैं हम? इनकी बच्ची तो निकाह करके हमारे गले पड़ गई ना, मुझे बताए मेरी बच्ची कहाँ जाएगी मेरी बच्ची? अब्बो जान मैं वाकई बहुत शर्मिंदा, मेरा यकीन मानिए मैं ये सब नहीं चाहता। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मेरी सिद्रा से बात तय हुई है तो क्या कर लेते तुम? क्या कर लेते तुम? एक बात आप लोग लिख रहे सब, मोहसिन ने उस लड़की से हर हाल में शादी करनी थी, चाहे वो अभी करता या सिद्रा से शादी के बाद करता, ये कभी भी उस लड़की को छोड़ नहीं सकता था। कहां गए मुमानी जान आपके आला तरबियत के दावे? बड़ा नाज था ना आपको अपने खून पर, अपनी तरबियत पर। ये दिन दिखाए आपके इस काबिले फखर सपूत्र। मैं कह रहा हूं ना आप सबसे, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आप सबका मुजरिम हूं, जो सजा देना चाहते हैं आप लोग मुझे देने, मैं कबूल करने के लिए तैयार। अरे चुप कर जाओ, क्या सजा दे तुम्हें? फांसी तो दे नहीं सकते। मैं अपनी बच्ची को कहां लेके जाऊंगी, क्या करूंगी? तेरे तो घर भी बस गया, तेरे तो दिल की दुनिया भी बस गई। मैं अपनी बच्ची का क्या करूंगी, मैं अपनी बच्ची का क्या करूंगी? पापा जान आप ही समझाइए ना, हालात इस नहज तक पहुंच जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं मजबूर था। अच्छा अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारा रिश्ता सिद्रा के साथ हुआ था, अब किस बात की मजबूरी है तुम्हें? जाओ जाके तलाक के 3 लफ्ज उस लड़की के मुंह पर मार के आओ जिसने मेरी बहन का हक खाया है। जिंदगी से, अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो उसे, ये तो तुम्हारे बस में है ना? ठीक कह रहा मेरा बच्चा, यही कर। What? मोहसिन ने निकाह कर लिया? हुआ नहीं, होने वाला था। अगर मैं वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचती तो उसका निकाह हो चुका होता। मतलब मेरा शक सही निकला ना? मुझे लग रहा था मोहसिन ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन वो अपनी अम्मा के आंसुओं के आगे इतनी जल्दी हार मान जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे यहाँ आने से बहुत बड़ा हंगामा हो गया नाजिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सुहा रिलैक्स करो, मोहसिन ने तुमसे निकाह करके अपनी मोहब्बत का सबूत तो दिया है ना, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मान जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मोहसिन ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करने जा रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था नाजिया, उसके घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो बताता था। उनके एक्सेप्ट करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम वहाँ पे अपना और मोहसिन का निकाह डिस्क्लोज करने गई थी, वो तुमने कर दिया। अब तुम मोहसिन से बात करो, एक अलग घर लो, वहाँ पे शिफ्ट हो और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो। मोहसिन से कैसे कहूंगी मैं कुछ भी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना उसका एटीट्यूड कुछ और ही है। यू शुड हैव सीन जिस तरह उसने मुझसे बात की। यहाँ मैं कब से बैठकर उसके कमरे में अकेले उसका इंतजार कर रही हूँ, और मेरा हाल पूछना तो दूर की बात है, उसने मेरी तरफ पलट कर देखा तक नहीं है। यहाँ सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है, यहाँ कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा और मुझे लोगों की खामोशी से बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है यहाँ। सुनो मैं अंकल से बात करूं, उनको बताऊं कि तुम मुश्किल में हो? नहीं कोई जरूरत नहीं है बाबा से बात करने की,
अगर उनको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती ना तो इस वक्त मैं यहाँ इस हाल में नहीं होती। सोहा मेरी बीवी है अम्मी जान, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप खुद इंसाफ से काम ले, मैं उसे कैसे तलाक दे सकता हूं? जैसे निकाह किया था वैसे ही तलाक दो उसे। जी निकाह बकौल तुम्हारे बहुत जल्दबाजी में किया था ना, उसी तरह से तलाक दे डालो उसे। जाहिद ठीक कहता है, लड़की अगर यहां रही तो जाहिद और जहां आरा के रिश्ते पर असर अंदाज होगी। पारे करो उसे अम्मी जान। ये मेरा फैसला, और अगर तुम्हें इस फैसले से इख्तलाफ है रमू से तो याद रखो, अगर तुमने उस आवारा और उस बदचलन लड़की को तलाक देकर फारिग नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी, अपने जनाजे को कंधा देने का हक छीन लूंगी तुमसे। अटेंड कर रहे हैं, फोन अटेंड कीजिए ना साहिद, क्या बात है, क्या हुआ होगा? आप फोन अटेंड क्यों नहीं कर रही है मेरे? मुझे फोन दो, मैं करती हूँ। इधर आओ बैठो, जरा इधर आओ बैठो। मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही, क्या बात हुई? सांस लो जरा, मेरी बात सुनो। देखो जाहिद भाई, तुम उठो ना, वहां जाके बैठो, उनको मैं लेटाऊंगा। जाहिद भाई और फूफो को पता होना चाहिए ना कि कभी कभार हालात इंसान के बस में नहीं रहते हैं ना। मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इतना बुरा तो तब भी हुआ था ना जब जाहिद भाई ने आपसे बचपन की मंगनी तोड़ ली थी और जाके कहीं और शादी कर ली थी, और फूफो को तो सब पता भी था, उनकी मर्जी शामिल थी। यहाँ पे तो अम्मी की लाइलमी में सब कुछ हुआ है। और देखो अभी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सिद्रा के साथ ये जो कुछ भी हुआ ना मकाफाते अमल है। वैसे आप ही वो जो भाभी है, मेरे कहने का मतलब है मोहसिन भाई की बीवी जो है वो कितनी क्यूट है ना, स्टाइलिश भी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैंने बस उनकी तारीफ की थी। नहीं उससे पहले क्या कहा तुमने? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है इसे भाभी कहते हुए? तुम मोहसिन का रिश्ता लेके गई थी उसके घर, बारात लेके गई थी उसके घर, वो हमारी कुछ नहीं लगती। आज के बाद उसे भाभी ना कहना मेरे सामने, सुना तुमने? अच्छा आपी कोई बात नहीं, छोटी है ना, जाओ यहाँ से पानी लेके आओ। भाभी भाभी कह रही है, सब कुछ तबाह कर दिया भाभी।
सुरवा रजा, रजा क्या हुआ? तबियत तबियत ठीक है आपकी? ये ले पानी, पानी पिया। कोई ख्वाब देखा आपने? हाँ हाँ मैंने, लगता है ख्वाब देखा। सो आप बहुत परेशान है, मुझे बार बार मदद के लिए बुला रही है। परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सुहा पहली मर्तबा आपसे अलग हुई है ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो अकेली नहीं है, अपने शोहर के साथ है, उसके ससुराल वाले उसके साथ हैं। सब ठीक है, आप परेशान मत हो। आप लेटें, सो जाएं, चलो शाबाश। नाश्ता करेंगे आप? मोहसिन कहाँ है? मोहसिन भाई अंदर सो रहे हैं। नाज़ा! आ रही हूँ। मोहसिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जाओ अपने कमरे में। क्या मतलब है? कोई देख लेगा, प्लीज जाओ। मैं आ रहा हूँ, जाओ। गो। जल्दी लेके जाओ यहां से यार। मोहसिन भाई आगे क्या सोचा है, क्या करना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो कैसे समझ में नहीं आ रहा, आपका निकाह कैंसिल हो गया है, फूफो लोग सब नाराज होके वापस चले गए हैं, और आपकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे दर पे आके बैठ गई है, उसको भी तो लटकाया हुआ है आपने, कुछ तो करें।
तो क्या करूं मैं? धक्के मार के बाहर निकाल दूं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं, लेकिन फिलहाल इस मामले को दबाने की कोशिश करें। मुझे जाहिद भाई के तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। भला ऐसे कौन करता है कि रुखसती कराने के बजाय दुल्हन को घर में ही छोड़ के चला जाए? अरे चुप कर जा जाहिद, खुदा के वास्ते तुझे लगा। क्यों चुप करके बैठ जाऊं मैं? हाँ क्यों चुप करके बैठ जाऊं मैं? चूड़ियां नहीं पहन रखी मैंने, हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी बहन का घर बसने से पहले उजड़ गया और आप कहते कि मैं खामोश रहूं? क्या करोगे तुम? क्या कि गोली मार दोगे मोहसिन को? मार दो उसे गोली, खत्म कर दो उसे, और फिर खुद भी ना सूली पे चढ़ जाना। ऐसी गैरत का क्या फायदा जिससे दो खानदान तहस नहस हो जाए? सत्या तुम खुद ही समझाओ इसे कुछ। मैं क्या समझाओ चित्रा के अम्मा, जवान औलाद है, गरम खून। अरे शुक्र करे, शुक्र करे कुछ करके नहीं आया। अपनी अपनी बहन का घर अपनी आंखों के सामने कौन भाई उजड़ते देख सकता है? कोई और होता ना मेरी बेटी की जगह, यकीन करे तो सभी तो गाड़ के आता। ये तो शुक्र करे खानदान ही खून है, कुछ नहीं कर। कैसे बख्श दे मोहसिन को? ये कैसे, किस किस्म के बाप है, किस किस्म के लाल है? ये तूफान नहीं रुकने वाला। छोड़ूंगा नहीं मैं मोहसिन को, छोड़ूंगा नहीं। अरे सही रुक जा, अरे अल्लाह के वास्ते रुक जा, ये नहीं रुकने वाला। ये तूफान नहीं तबेगा जितना के अब्बा, ये तूफान नहीं तबेगा। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया बतूल, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर मुझे हालात की संगीनी का जरा भी अंदाजा होता, मैं ये स्टेप ही ना लेता। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि सोहा को अभी यहाँ पे मत रखें, वो भी इन हालात में, उसे कहीं और शिफ्ट करें। कहीं और ले जाऊँ? कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती वो इन हालात में। आपको पता है ना, इतनी मुश्किल से मैंने अम्मी को सुलाया, अगर इन दोनों का आमना सामना हो गया तो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि सारी शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ेगी। आप जानते हैं ना कि खालिद को अभी तक तस्लीम नहीं किया अम्मी ने, और ये तो फिर बहू है, वो भी अनचाही। कहाँ ले जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है, मैं उसे कहाँ लेके जाऊंगा? दो दिन के अंदर अंदर फ्लैट ले ले और उसको शिफ्ट करें यहाँ से। और अब मुझे ये मत कहिएगा कि वो अकेली नहीं रह सकती। जो लड़की इतने दूर से कराची अकेले आ सकती है ना, वो अकेली रह भी सकती है। क्यों खड़ी हो तुम यहाँ? वो ये कहाँ रखूं? जाके फेंको बाहर कचरे में, और ये सफाई भी कराओ सारी जगह की। समझ रहे ना आप मेरी बात? क्या मोहसिन अभी तक तुम्हारे पास नहीं आया? कैसे आएगा वो मेरे पास? वो नीचे लेटा हुआ सो रहा था। जब मैंने उसे उठाया तो मुझसे कहता है तुम ऊपर जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गलती कर दी? पागल मत बनो, तुम्हारे शौहर का घर है, तुम वहां नहीं जाती तो कहाँ जाती? और रोना तो बंद करो यार। वो निकाह कर रहा था किसी और से, अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो वो निकाह कर चुका होता। ये उसका अपना फैसला था, उसके घर के हालात जितने भी मुश्किल हो उसने डिसाइड किया और वो निकाह के लिए बैठ गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ ऐसे करेगा। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उसको और नहीं आजमाऊंगी। यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? सोहा पागल मत बनो, ये तुम्हारे डैड का घर नहीं है कि बार बार हर छोटी बात पर तुम घर छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे शोहर का घर है, और मेरी एक बात याद रखो, अगर तुमने घर एक दफा भी छोड़ा ना तो उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद हो जाएंगे। सोहा तुम वहां पर अपनी जगह बनाने के लिए गई थी, और अगर तुमने अपनी जगह किसी के लिए भी खाली छोड़ी तो तुम बहुत रिग्रेट करोगी। मोहसिन के लिए तो तुमने अपने डैड से इतनी लड़ाई की, उनको चैलेंज किया, नाउ यू हैव टू विन दिस चैलेंज। तुम ही ने कहा था ना
के मोहसिन की मोहब्बत का मान रखोगी तो अब क्या हुआ? सुहा यू कांट अफोर्ड टू लूज। अभी अम्मी सो रही है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है। अम्मी अम्मी जान, आपको मुझसे जरा भी हमदर्दी होती ना तो आप उस लड़की को घर से धक्के मार के निकाल देती, लेकिन आज उसे इस घर में रख के आपने ये साबित कर दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है, आप कुछ भी नहीं। हमारा जितना नुकसान करना था कर दिया, अब उसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे बालों से पकड़कर धक्के मारकर घर से निकाल भी दूं तो वो मोहसिन को साथ ले जाएगी। मोहसिन उसके काबू में है, वो इस घर से सिर्फ उस वक्त निकलेगी जब मोहसिन उसे 3 हरफ देकर घर से निकालेगा, और ये होगा। मोहसिन उसे इस घर से भी निकालेगा और अपने दिल से। पानी पिलाओ उसे। सोहा, मैं पहले बहुत कुछ सुन के आ रहा हूँ, प्लीज तुम कुछ मत कहना वरना मैं कहाँ जाऊंगा। तुम्हारे आने से पहले बहुत बर्बादी हो गई है, मेरी बहन की रुख्सती नहीं हुई, वो निकाह होने के बावजूद घर में बैठी है। नजर आ रही है ना, मैं भी तो सब कुछ छोड़कर आई हूँ, बाबा को अपना घर, I love you, मोहब्बत करती हूँ तुमसे, कुछ बोलती नहीं, उसका ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत नहीं करती। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, तुमने मुझसे एक दफा भी बात नहीं की। I didn't know what to do. बाबा ने मुझे घर से जाने का कह दिया था, उन्होंने खुद मुझे घर से निकाला है। I had nowhere to go. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ? I know तुम अपने घर वालों के लिए परेशान हो, तुम्हारी बहन, I understand, तुम मुझे शायद यहाँ पे रख भी नहीं सकते।
लेकिन लेकिन मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ ना। आई लव यू, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सुनो, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। यहाँ के मसले हमने मिलकर ही हल करने हैं, चाहे कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम मेरा साथ देना प्लीज, हर हाल में मुझे सपोर्ट करना। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। सुहा, तुम्हें ये प्रिटेंड करना होगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। प्लीज प्लीज प्लीज, देखो ये बहुत जरूरी है, इन हालात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब तक आप ही का मसला हल नहीं हो जाता, अम्मी जान इसी तरह मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती रहेंगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो। किसी कमजोर लम्हे के दबाव में आकर अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा फैसला कर दिया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सो आप प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। घर पर है जी मोहसिन। मोहसिन कहाँ हो तुम, निकलो बाहर। मोहसिन, मोहसिन निकलो बाहर, कहाँ हो तुम मोहसिन? क्या जाहिद? मोहसिन जाहिद, आहिस्ता बोलो, चिल्ला क्यों रहे, क्या बात है? आपकी बहन को तड़पता देख के आया हूं मुमानी जान, उसका रोना मुझसे देखा नहीं गया। अगर मेरी बहन को इंसाफ ना मिला ना तो वो इसी तरह रो रो के जान दे देगी अपनी। अल्लाह ना करे बेटा, वो घर जिसमें आज मेरी बहन के कह कह गूंजने चाहिए थे, आज उसकी उसकी बहन गूंज रहे। अच्छा नहीं किया उसने हमारे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, ये बात याद रखिएगा आप। जाहिद भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? शरीर कमीना! अरे साहब, बुला रही मैं तुझे, छोड़ो हाथ में बैठा, तू अपने आप छोड़ो, मैं कह रही हूँ। क्या चल साहब, छोड़े मुझे, खबरदार खबरदार, जो तू अपनी गंदी जबान से मेरा नाम पुकारा तो क्या पुकारा था, मेरी मासूम बहन है तेरा, क्या कसूर था उसका? तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, इस मसले का ऐसे भी हल निकल, ये मसला सिर्फ एक ही सूरत में हल हो सकता है मोहसिन। तुम आज अभी और इसी वक्त लड़की को तलाक दोगे। ऐसा नहीं हो सकता साहिब, ये मेरी बीवी है, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। ठीक है, जा रहा हूं मैं, अपनी बहन को अपने घर में बिठाओ। रुको रुको बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, रुको। मुझसे तुम्हें इस लड़की को तलाक देनी होगी अभी और इसी वक्त। अम्मी जान क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, फैसला कर लो, इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। दो दिन बाद तुझे अपना फैसला सुना के चला जाऊंगा।